लक्ष्मीनगर से सामने आया दुष्कर्म का मामला। शादी करने का झांसा देखकर लड़की से किया दुष्कर्म। आरोपी ने पिस्टल दिखाकर लड़की को बार बार डराया। नौकरी की तलाश में पीड़िता जाल में फंसती चली गई। पुलिस जांच पर जुटी। त्रिलोकपुरी में नाबालिग छात्रा की जमकर हुई पिटाई। 16 वर्षीय मासूम को भीड़ ने किया लहूलुहान। सीसीटीवी की मदद से पुलिस कर रही है मामले की छानबीन। पूर्वी जिले की स्पेशल टीम ने हताश सेनमार को पकड़ा। खाना डिलीवरी करते समय टो लेता था अपराधी। पुलिस ने चोरी के 2 लैपटॉप और 9 मोबाइल किए बरामद। पूर्वी दिल्ली में आने वाले त्योहार को देखते हुए पुलिस काफी सजग। चलाई गई मॉक ड्रिल। हर जगह पुलिस रखे हुए है पैनी नजर। और सर्दी बढ़ने से बाजारों में हीटर गीजर की बड़ी डिमांड। दुकानदारों का हो रहा है फायदा। पिछले साल के मुकाबले बिक्री में 25% का उछाल। बाजार में लोकल आइटम से लेकर ब्रांडेड हीटरों तक की भारी डिमांड। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। दिल्ली में दरिंदगी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पूर्व दिल्ली के लक्ष्मीनगर में एक युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी ने पीड़िता से शादी करने का झांसा देकर दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बना ली। इतना ही नहीं बल्कि वो पीड़िता को ब्लैकमेल कर इस वारदात को अंजाम देता रहा। आरोपी ने पिस्टल दिखाकर उसे कई बार डराया धमकाया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक कुछ समय पहले ही पीड़िता की मुलाकात एक जानकार के जरिए आरोपी से हुई थी। आरोपी शादीशुदा है और लक्ष्मीनगर में रहता है। पीड़िता को नौकरी की तलाश थी तो आरोपी नौकरी दिलवाने की बात करने लगा। आरोपी ने कहा कि वो अपनी पत्नी को तलाक देकर उससे शादी कर लेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया बल्कि पीड़िता को अपने जाल में फंसाता चला गया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। दिल्ली में सोशल मीडिया पर एक सीसीटीवी वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें भीड़ एक नाबालिग युवक को पीटती हुई नजर आ रही है। जानकारी के मुताबिक पता चला है कि वायरल वीडियो पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार थाना इलाके के त्रिलोकपुरी का है। घटना 20 दिसंबर की बताई जा रही है। दरअसल वह 16 वर्षीय नाबालिग छात्र 20 दिसंबर की रात अपने दोस्त से मिलने त्रिलोकपुरी 30 ब्लॉक में गया था, जहां पर उसके दोस्त ने उससे 150 रुपये मांगे। पैसे देने से मना करने पर उसके दोस्त उससे झगड़ा करने लगे, जिसके बाद भीड़ इकट्ठा हो गई और अपने दोस्तों के साथ मिलकर छात्र की जबरदस्त पिटाई कर दी गई। छात्र के सर पर 18 टांके आई हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुट गई है। पूर्व दिल्ली पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। एक डिलीवरी बॉय जो डिलीवरी करते समय टो लेता था, उसको पकड़ने में पुलिस कामयाब हुई है। इस घटना की जांच करने के लिए स्पेशल स्टाफ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट को इस अपराध के पीछे अपराधियों को पकड़ने का काम सौंपा गया था। उनके नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। स्पेशल टीम ने पूर्वी जिले में सक्रिय चोरों का डेटा एकत्र किया और इस अपराधी के बारे में जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि अपराधी चंदन स्विगी के साथ काम कर रहा था। वो डिलीवरी बॉय की आड़ में डिलीवरी करते समय टोह लेता था और आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स को निशाना बनाया करता था। अब उसको पकड़ने में टीम सफल रही और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही पुलिस ने 9 चोरी के मोबाइल फोन, 2 चोरी लैपटॉप और एक स्कूटी बरामद कर ली है। पूर्व दिल्ली में आने वाले त्योहार को देखते हुए पुलिस काफी सजग दिखाई दे रही है। पुलिस मार्केट, पब्लिक प्लेस, कॉलेज और स्कूल के आसपास की जगह पर मॉक ड्रिल कर रही है और देख रही है कि जनता कितनी जागरूक है। इसी को देखते हुए प्रीत विहार इलाके के V3S मॉल की पार्किंग में एक अज्ञात वाहन खड़ा किया गया था, जिसमें बम होने की आशंका जताई जा रही थी। एक बैग में ऐसी डिवाइस पाई गई जिसमें बस बम जैसा साउंड था। पुलिस और बम दस्ता मौके पर पहुंचे तो पता चला कि एक डमी है जिसने ये बैग वहां पर छोड़ा था। पुलिस उसका पता लगा रही है। कॉल ये मिला था कि V3S मॉल के पार्किंग में बम है और उसी के सिलसिले में मैं यहाँ आया हूँ। और जब यहाँ आया तो ये पता लगा कि बम था और बम को दिल्ली पुलिस ने डिफ्यूज कर दिया। नहीं, मॉक ड्रिल से पहले भी जो है दिल्ली पुलिस भी अलर्ट पे है, हम लोग भी अलर्ट पे हैं
और अलर्ट पे वैसे ही रहते हैं हम लोग, पुलिस भी अलर्ट पे रहती है, हम लोग भी अलर्ट पे रहते हैं। और अभी चूँकि 26 जनवरी आ रहा है तो कुछ उसका भी वो है, उसके लेकर के हम लोग अलर्ट पे हैं। नहीं, सहयोग तो सबका मिल रहा है। अभी देखे होंगे भैया, फायर वाले भी गाड़ी भी आ गई थी, एम्बुलेंस भी आ गई थी, दिल्ली पुलिस भी आ गई थी, हम भी आ गए हैं और भी लोग जो हैं आए हुए हैं, तो किन्हीं की तरफ से असहयोग नहीं हुआ है। सर्द हवाओं की वजह से दिल्ली NCR में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंडी हवाओं से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों के साथ हीटर, गीजर और ब्लोअर की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। दुकान पर पिछले साल के मुकाबले बिक्री में 25% का उछाल आया है। बाजार में लोकल आइटम से लेकर ब्रांडेड हीटरों तक की भारी डिमांड है। कृष्णनगर के दुकानदारों का कहना है कि हर तरह के रेट्स के हीटर दुकान पर उपलब्ध हैं। 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक के हीटर दुकान पर उपलब्ध हैं। वहीं गीजर 4000, 5000 और 10000 रुपए तक की दुकान पर उपलब्ध हैं। मार्केट में सिंगल रोड वाला है, डबल रोड वाला है, 400 से 500 की रेंज में है, 1000 रुपए की रेंज में है, 2000 रुपए की रेंज में है। हीट कन्वेक्टर है, हीट कन्वेक्टर है 800 की रेंज से लेकर और 2000 की रेंज तक। क्रॉम्पटन का 15 लीटर का है, 25 लीटर का है, तीन सेल बढ़ रही है, 25-30% बढ़ा है ग्राहक। असर तो बहुत है, दो दिन से तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है। गीजर तो शुरू से बिकते आ रहे हैं, नवंबर से स्टार्ट हो जाते हैं, बट अब हीटर की डिमांड बहुत ज़्यादा। रेट अभी तो स्टेबल ही है, बाकी अगर ज़्यादा ठंड पड़ती है तो फिर रेट बढ़ते हैं। हीटर तो नॉर्मल 500 रुपये से भी स्टार्ट है और 10,000 तक, 12,000 तक है। बाकी गीजर वही 4,000, 5,000, 10,000, 20,000, अपने अपने सिचुएशन के ऊपर लोग ले लेते हैं हीटर गीजर। और अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ दिख नहीं रहा ज़्यादा, बट ये है कि धीरे धीरे ठंड बढ़ेगी तो लोग बाहर निकलते हैं। 15-20 दिन की ठंड होती है, लोग एडजस्टमेंट भी कर लेते हैं, जिसको लेना है इमरजेंसी में वो ले लेते हैं। MCD के लिए 6 जनवरी को मेयर के पद का चुनाव होगा। मेयर बनने के बाद नए मेयर की, डिप्टी मेयर की चुनाव करवाएंगे और उसी दिन स्टैंडिंग कमेटी का भी चुनाव होगा। उसके बाद जोन के लिए चुनाव होंगे। निगम सचिव 5 से 7 दिन का टाइम देते हैं, उसके बाद नामांकन होते हैं, जिसके बाद जोन के चेयरमैन का चुनाव होगा। 6 जनवरी को मेयर, डिप्टी मेयर का चुनाव हो रहा है। सबसे पहले मेयर का जो चुनाव प्रोटेम स्पीकर करवाएगा और उसके बाद डिप्टी मेयर का जो चुनाव होगा वो मेयर कराएगा। उसके बाद में वहीं पर ही उसी दिन हाउस में स्टैंडिंग कमेटी के मेंबरों का चुनाव होगा। उसके पश्चात जो भी नए महापौर आएंगे वो महापौर जो है जोनल कमेटियों के चुनाव फेस करेंगे। उसके लिए वो म्यूनिसिपल सेक्रेटरी को बुला करके उसके साथ में पूरा प्रोग्राम फेस करते हैं। जैसे 12 जोन है पूरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली के अंदर, तो 12 जोन का वो चुनाव की डेट और उनका वो तय करते हैं, उसका पूरा शेड्यूल तय करते हैं। वो शेड्यूल बकायदा नोटिफाइड होता है और उसके अंदर एक प्रॉपर टाइम जो है 5 से 7 दिन का टाइम जो है कम से कम उसमें जो हमारे निगम सचिव हैं उनके द्वारा दिया जाता है। वह उसके पहले नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया होती है, फिर उसको नाम वापस लेने की प्रक्रिया होती है, उसके पश्चात जो क्या कहते हैं चुनाव होता है, तो उसके पश्चात ही जो जोनल कमेटी के चुनाव वो जोनल चेयरमैन हमारे को मिल पाएंगे। उसी दिन जो है मेयर, डिप्टी मेयर के चुनाव होके उन्हें भी सीट पे बिठा दिया जाएगा और उसके साथ साथ 6 जो हेडक्वार्टर के स्टैंडिंग कमेटी मेंबर्स का भी चुनाव हो जाएगा। और जो जोन की कमेटियां बननी है उनमें जोन चेयरमैन है उनकी डिक्लेरेशन भी जल्दी करवाएं, मेरा तो उनसे ये आग्रह रहेगा, क्योंकि समय बहुत कम है और 1 अप्रैल से नया सत्र फिर शुरू होगा। तो उसके बाद जो है वो बाकी कमेटियां हैं जिसमें हेल्थ कमेटी है, स्वास्थ्य कमेटी है और बाकी कमेटियां, लाइसेंसिंग कमेटी है, इन सब का भी चुनाव होना है। तो इस प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी करवा के जिससे जो निर्वाचित प्रतिनिधि है अपने काम में लगे और जनता के जो भलाई के हमें काम करने तेजी से आगे बढ़े। देखिए करने को तो इमीडिएटली वो 2-3 दिन में बैठ के इसे डिक्लेयर कर दें, लेकिन मुझे लगता है 15 दिन के अंदर अंदर ये सारी प्रक्रिया भी पूरी कर लेनी चाहिए। पूर्व दिल्ली के गगन सिनेमा के पास बने शादी के चारों पंडाल को सील कर दिया गया था। इससे पहले हाईकोर्ट ने पंडाल चलाने वाली कंपनी को सरकारी जमीन से पंडाल हटाने के लिए 1 महीने का समय दिया था। वहीं हमारे संवाददाता ने डायरेक्टर CK अग्रवाल से बात की तो उन्होंने बताया कि उन्होंने सील खुलवाने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है, जिससे वहां लगे पंडालों के स्ट्रक्चर को हटाया जा सके। डूसुप की जमीन पर 3 शादी के पंडाल है और उनको हटाने के आदेश दिए गए थे,
इस वक्त हम खड़े हैं गगन पर, जहाँ पर आपको सील दिखाते हैं, ये जो है सील लगी हुई है। पिछले कुछ दिनों में गगन सिनेमा से सटे जमीन पर बने शादी के तीनों पंडालों पर सील लगा दिया है। इससे पहले हाईकोर्ट ने पंडाल चलाने वाले कंपनी को सरकारी जमीन से पंडाल हटाने के लिए कई महीने का समय दिया था। वहीं कंपनी सीज फूड के डायरेक्टर का कहना है कि उन्होंने हाईकोर्ट में सील खुलवाने की अर्जी दाखिल करवाई है। ये भी दिक्कतें आ रही हैं, जिन्होंने बुकिंग करवाई थी वो लोग जाएं तो जाएं कहाँ, और यहाँ पर जो वर्कर हैं जो अंदर काम करते थे उनका जो पालन पोषण है वो कौन करेगा, ये सवाल जो है खड़ा होता है। वीडियो जर्नलिस्ट रविकांत के साथ मोहित शर्मा, सीसीएन लाइव दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में सर्दी से ठिठुरन और बढ़ गई है। रविवार को क्रिसमस का दिन साल 2014 के बाद सबसे ठंडा दिन रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक राहत के आसार सर्दी से नहीं है। सोमवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया था। पूर्वी दिल्ली में आज भी लोगों को बर्फीली हवाओं का एहसास हुआ है। दोपहर में हल्की धूप जरूर निकली लेकिन उससे ज्यादा राहत नहीं मिली है। अपने चरम पर है और इस ठंड की वजह से बहुत परेशानियों के दौर से बच्चों को गुजरना पड़ रहा है। दिल्ली के सभी स्कूल खुले हुए हैं। सरकार से हमारी ये दरखास्त है कि कुछ दिनों के लिए स्कूल को बंद कर दिया जाए ताकि बच्चे आराम से रह सकें। मुझे इंद्रपुरम से लक्ष्मीनगर आना पड़ता है और इस ठंड के अंदर मैं पूरा पैक होकर आता हूँ, और बड़ी ठंड के अंदर चाय पीना पड़ता है, गर्म खाना लेना पड़ता है, गर्म ही चीज़ लेनी पड़ती है। इस गर्मी में हमें सरकार से ये दरखास्त है कि कृपया करके बच्चों को छुट्टी दे दी जाए ताकि बच्चे आराम से अपने घर रह सकें। दरअसल सर्दी बहुत बढ़ गई है और सर्दी में गर्म कपड़े पहनने के लिए हाथ ताप रहे हैं और ये गर्म चाय का मजा ले रहे हैं। मैं हम चाह रहे हैं सरकार से बच्चों की जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनकी छुट्टी करा दी जाए जो ठंड से बच जाए। देखिए ठंड का इतना बुरा हाल है, कई सालों की रिकॉर्ड जो है ठंड तोड़ रही है, और दिल्ली में सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, केजरीवाल सरकार है, कि बच्चों को इतने थोड़ा सा मतलब मुलायम रवैया अपनाते हुए छुट्टियाँ घोषित करें, क्योंकि देखिए इस ठंड में जो है छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं और घर वाला पूरा घर परेशान हो जाता है। कम से कम इस पे रहम खाएं और मैं मांग करता हूँ कि भाई ये दिल्ली के स्कूलों को बंद किया जाए। चूल्हा होता था, मीठियाँ होती थी, उसमें अलाव वाला वगैरह जलाकर ठंड से बचाते थे। अब सीमित साधन है, उसके बावजूद हम आजकल घरों में हीटर वगैरह जलाकर ठंड से बचाव करते हैं, कपड़े पहनते हैं, और ऐसे में जब बड़े बड़े लोगों को इतनी ठंड महसूस हो रही है तो उसमें बच्चों के लिए एक तरह से सजा का कार्य है उनको स्कूल भेजना। तो एक तारीख से छुट्टी कर रहे हैं तो आप चार दिन में कौन सा ज़्यादा पढ़ाई कर लेंगे बच्चे, तो उस वक्त को पढ़ाई तुरंत स्कूलों को बंद कर देना चाहिए जिससे बच्चों को भी ठंड से राहत मिल सके। डीडीए ने डिफेंस इनक्लेव और गुजरात बिहार में पार्क बना रखा है। एक साथ दो दो पार्कों को जोड़कर ये पार्क बनाया गया है। पार्क में साफ सफाई नहीं होने की वजह से यहाँ आने वाले लोग बदबू से काफी परेशान है। ऐसे में सफाई कर्मियों के लिए भी रोज यहाँ काम करना चुनौती बना हुआ है। दरअसल लोग कूड़ा डस्टबिन में डालने की बजाय यहाँ फेंकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि डस्टबिन चोरी भी हो चुके हैं। हालांकि पेड़ पौधों की देखभाल अच्छे से होती है लेकिन पास की झुग्गियों से आने वाले कुछ उपद्रवी बच्चे इन पार्कों के पौधे और झूले उखाड़ कर ले जाते हैं पौधों को, जिससे काफी नुकसान हो रहा है। इसी संबंध में जब हमने गार्ड से बात की तो उनका कहना था यहाँ आने वाले कुछ युवक नशा करते हैं और अगर मना करो तो वो अनसुना करते हैं, जिससे यहाँ आने वाले लोगों को असुविधा होती है। बच्चे तो यहाँ उधम भी करते हैं, तोड़फोड़ भी करते हैं, ना उन्हें अपनी चोट लगने से डर लगता है ना किसी दूसरे के चोट लगने से डर लगता है। क्रिकेट भी खेलते हैं और विशेष तौर पे गिल्ली डंडा खेलते हैं। एक दो आदमी हैं जो मतलब जो कभी बाई चांस हो जाते हैं, ऐसे नहीं कि कोई नशा करता, सब अपने यहाँ घूमने या अपने पार्क में बैठने के लिए आते हैं। एक दो आदमी को देखा है कभी मतलब जो अपने पी के दिल में पी ली और उधमबाजी के, तो लोग तो फिर डरते ही हैं ना उससे कि भाई ये लोग लड़ पड़ेंगे, कुछ भी हो सकता है। नहीं, व्यवस्था सही है, साफ़ सफाई भी रहती है, पर वो गार्ड भी क्या करे, बच्चे ना आके हुड़दंगबाजी ज़्यादा करते हैं। आज के बच्चे ये पीछे झुग्गियों के बच्चे आते हैं ना, क्या क्या होगा चीज़ें भी तोड़ फोड़ करते हैं। हाँ, ये झूले तोड़ते हैं, ये क्या नाम है, पेड़ वेड़ वो करते हैं, छेड़ा छा, नशा भी कई लोग, हाँ नशा भी करते हैं, पूरे में खुले में फेंकते हैं, पन्नी कागज पन्नी दारू के नशा का सब कुछ यहाँ फेंकते हैं। हम आते हैं 9 बजे, 9 बजे से हम उठाते हैं, फिर इसके बाद फेंकते हैं। कूड़ा वगैरह आप कूड़ा जो सामने मिल जाता है उससे बोल सकते, जो नहीं मिलता हम क्या करेंगे। यहाँ नहीं मानते हैं, हम कहते हैं कि इसमें डालो डस्टबिन में, बस हमारे पीछे तो कहते हैं हाँ डाल दूंगा, और पीछा किया बस फिर वहीं नीचे डाल के भाग जाते हैं, फिर नहीं डालते हैं। हाँ कई लोगों को गिल्ली, बिल्कुल गिल्ली लग जाती है यहाँ पर, तार मार तोड़ते रहते हैं,
डस्टबिन भी यहाँ से निकाल लेते हैं रात में चोरी, तो क्या करते ये फिर वो अपनी यहीं के लोकल यहीं के लोग रहने वाले हैं ना, तो अपनी वो दिखाते हैं। हम लोग जैसे बाहर से हैं तो वो अपना वो दिखाते हैं, मतलब इकट्ठे हो जाते हैं दो तीन जो नशेड़ी। मैम हमारी ड्यूटी होती है हर चीज़ मतलब देख रेख करने के लिए, जैसे मतलब कोई नस्का ना होने पाए या कोई नशा पत्ती वाले के लिए, तो यहाँ पर सिर्फ सबसे ज़्यादा गुल्ली वालों से दिक्कत हो रही है हमें। अच्छा। क्योंकि गुल्ली वालों को मना करो तो मानने के लिए तैयार नहीं, पुलिस वाले भी आते हैं जब वो आएंगे तो भाग जाएंगे, उसके बाद उनके जाते ही 10 मिनट बाद फिर आ जाते हैं। अच्छा। और कहो तो गाली देंगे या लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। जी मैम जितने झुग्गी वाले हैं सबसे ज़्यादा इनकी नशेड़ीपन है, बाकी अदर में तो कोई आता नहीं आम बंदे जो हैं, पर जो हैं झुग्गी वाले अपना गांजा सांजा पीते रहते हैं। जब उनको भगाते हो या मना, वो गालियाँ देते हैं, लड़ने के लिए तैयार होते हैं, कहते हैं हमें तो कोई नहीं रोकता। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।